Assalamu Alaikum dear learners it is my third lecture from english textbook of 10th class unit number 1 that is Hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice Hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam insaaf ke payambar insaaf ke dai before it i have taken two lectures from this unit in which i have translated first four paragraphs and today in this lecture I will translate the next two paragraphs that were that are 5th and 6th before starting to translate these both paragraphs I have some difficult words from these paragraphs so I want to discuss these difficult words one by one the first word is suits suits means an action a process in court appeal makadma, muamlat. second word is commandment Allah Ta'ala ka a divine order a command next word is decline डिक्लाइन मीनस इनकआार करना मना करना जुआ पजीर होना डाउनफॉल रिफ्यूज़ ठंड डाउन नेक्स्ट वर्ड इज़ अपेल्ड अप हेल्ड मीनस सस्टेन मेनटेन स्पॉर्ट कायम रखना नेक्स्ट वर्ड इज सकमस्टांसिस सरकमस्टांसिस सिचुएशनस कंडीशन स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब हालात डेस्टिट्यूट डेस्टीट्यूट मीनस मुस्तक हकदार ज़रूरतमंद डिप्राइव्ड पुअर नीडी द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरफेयर इंटरफेयर मीन्स मुदाखलत करना मेडल करना पोक करना हर्ट हार्म काज पेन टू तकलीफ देना नुकसान पहुँचाना सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ एकॉर्डेंस एकॉर्डेंस मीन्स के मुताबिक अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ एंड द लास्ट वन इज़ जियोश लॉ जियोश लॉ मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉस और जियोश कम्यूनिटी मतलब यहूदी कवानी यहूदी कौम के कवानीन के मुताबिक So, let us start the first uh, fifth paragraph before translating I just want to read this paragraph. So, listen it carefully. The Wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere.

रसूल अलैहि सल्लाम अपने इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे देट के दैट इवन हत्ता के इवन हत्ता के दूस यहूदी हत्ता के यहूदी हो जो के यहूदी वार थे हिज़ आप के बिटर सख्त तरीन बदतरीन एनीमीज़ दुश्मन हत्ता के यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे ब्रॉड सेकेंड फॉर्म है ब्रिंक की ले ले आते लाते देअ वो अपने सूट्स मुकदमात केसेस टू हिम आप हज़रत महम्मद अलैहि वसल्लम के पास रसूल अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि हती के यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमा आपके पास लाते, एंड और ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड फ़ैसला करते केसेस मुकदमात का इन एकडेंस के मुताबिक विद के साथ जोश यहूदी लॉ कवानी के और आप हज़रत अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुकदमात का फ़ैसला यहूदी कवान के मुताबिक करते ही आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ फॉलोड अमल पैरा थे पैरवी करते थे द कमेंडमेंट हुक्म पर ऑफ अल्लाह अल्लाह के आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म पर सख्ती से अमल पैरा थे इफ अगर दे वो कम आएँ टू यू आपके पास अगर वो आपके पास आए आइधर या तो जज इंसाफ करो फैसला करो बिटवीन देम उनके दरमियान में अगर वो आपके पास आए तो उनके दरमियान में या तो फैसला करो और या डिक्लाइन या इनकार कर दो मना कर दो टू तो इंटरफियर मदाखल करने से छेड़छाड़ करने से अगर वो आपके पास आए या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दो या मदाखल करने से इनकार कर दें इफ अगर यू आप डिक्लाइन अगर आप डिक्लाइन करते हैं इनकार करते हैं दे वो कैन नॉट नहीं सकेंगे हर नुकसान यू आपको वो आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे इन द लिस्ट कम अज़ कम अगर वह आप इनकार करते हैं तो आपको किसी तरह भी नुकसान नहीं दे सकेंगे इफ़ अगर जो आप जज अगर हम इंसाफ करते हैं फैसला करते हैं जज फैसला कीजिए इन इक्विटी बराबरी के साथ इंसाफ के साथ बिटवीन दैम उनके दरम्यान में अगर आप फैसला करें तो उनके दरमियान में इंसाफ से फैसला करें फॉर क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ महबत करता है दोस्त उनके साथ हु जो कि जज फैसला करते हैं इन इक्विटी बराबरी के साथ क्योंकि अल्लाह ताल उन से महब्बत करता है जो बराबरी से फैसला करते हैं वंस अगेन वी रीड द होल पैराग्राफ अगेन दरसूल सल्हलम वाज सो वेल नाउन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन दियोज़ हुर हिज बिट्टर एनिमीज ब्रॉड दियर सोर्स टू हेम एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द जियोशल रसूल सली वम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि हती के यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते और आप उन मुकदमा का फ़ैसला यहूदी कवानी के मुताबिक फरमाते ही वेरी स्ट्रिक्टी फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह आप अल्लाह तला के हुक्म पर सख्ती से अमल पैरा थे इफ़ द कम टू यू आज द जज बिटवीन दैम आर डिक्लाइन टू इंटरफियर अगर वो आपके पास आएँ या तो उनके दरम्यान फ़ैसला कर दें या मदाखलत करने से इनकार कर दें इफ यू डिक्लाइन द कैनाथ हज यू इन द लीस्ट अगर आप इनकार करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे इफ़ यू जज जज इन इक्विटी बिटवीन दम अगर आप फैसला करें तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें बराबरी से फैसला करें For Allah loves those who judge in equity. Okay, Allah unsko Allah से, से okay learners, this, after this we start the sec next paragraph, that is sixth paragraph, and in the same way, the way. I want to read it firstly. Listen to me carefully. Justice demands that it should upheld in all circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations all of his life hazrat muhammad judged other people's affairs with justice and told his companions to be just it is reported by hazrat ali that allah said to him when two men come to you for a judgment never decide in favor of one without hearing the arguments of the other it is then most likely that you will be no the ज मौवियाड अल्लाह रसूल सल्लाम ए सिंग एनी रूलर आ जज हु क्लोजेज डोर ऑन द पुअर द नीडी एंड डेस्टिट्यूट अल्लाह क्लोजेज हज डोर ऑन हिम वन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट सो वही ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ जस्टिस इंसाफ डिमैंडस तकाजा करता है मुतालबा करता है दैट के इट ये शुड होना चाहिए अपल्ड कायम रहना चाहिए इंसाफ तकाजा करता है कि कायम रहना चाहिए इन ऑल तमाम सरकमस्टांसिस सरकमस्टांस तमाम हालात में इंसाफ तकाजा करता है कि तमाम हालात में कायम रहना चाहिए इवन हती इफ अगर इट ये इंसाफ गोज जाए अगेंस्ट खिलाफ वंस एक ऑन सेल्फ अपनी जात के चाहे वह इंसाफ किसी की अपने ज़ात के, के खिलाफ ही क्यों ना हो और या वंस किसी के फैमिली ख़ानदान के खिलाफ हो और या रिलेशन या तल्लुक़दार रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो इंसाफ तक करता है कि यह हर तरह के हालात में कायम रहना चाहिए हती कि यह इंसाफ चाहे अपनी ज़ात के या अपने ख़ानदान के या अपने तल्लकदारों के खिलाफ क्यों ना हो ऑल तमाम ऑफ ऑफिस लाइफ अपनी ज़िंदगी में हज़त महम्मद सल्हल्म जज अपनी तमाम जिंदगी में मजहबल वसल्लम ने जज किया फ़ैसला किया अदर पीपल्स दूसरे लोगों के अफेयर्स मामलों को विद जस्टिस इंसाफ के साथ आप तमाम ज़िंदगी हज़र ने दूसरे लोगों के मामलात का इंसाफ के साथ फ़ैसला किया एंड टोल्ड और बताया हज़ अपने कम्पेनियंस साथियों को टू बी जस्ट भी इंसाफ़ करने वाले रहें वही मनसब बने रहें अपनी तमाम ज़िंदगी में हज़रत महमद्लह वमाम दूसरे लोगों के मामला का इंसाफ के साथ फ़ैसला किया और अपने साथियों से भी कहा कि वह इंसाफ वाले रहें इट ये एज़ है रिपोर्टेड ये बयान किया जाता है बायज़रत हज़र रज़ी बयान फ़रमाते हैं देट के अल्लाह रसूल अल्लाह ताला के रसूल सल्ला हज़र महमद ने सैड फरमाया टू हिम हज़र अली से हज़र अली रसलह से रवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत महमद सल्ह वसम ने हज़र अली रसल से फ़रमाया वन जब टू दो मैन अशास काम टू यू आपके पास आएं जब दो लोग आपके पास आएँ फॉर जजमेंट इंसाफ के लिए फैसले के लिए जजमेंट इंसाफ या फैसला नेवर कभी नहीं डिसाइड फैसला करें इन फेवर हमायत में और वन एक की कभी भी एक की हमायत में फैसला मत करें विद आउट बगैर हियरिंग सुने हुए आर्गोमेंट्स दलायल ऑफ अदर दूसरे के हज़रत से रवायत है कि अल्लाह के अल्ला रसूल हज़र महमद्आसम ने उनसे फ़रमाया जब दो लोग आपके पास फ़ैसले के लिए आएँ तो कभी भी एक की हमायत में फैसला मत करें दूसरे के दलाल सुने बग़ैर इट इज़ दैन इट ये इज़ है दैन फिर मोस्ट सबसे ज़्यादा लाइकली मुमकिनपन होगा ये बहुत ज़्यादा मुमकिन होगा दैट के यू विल भी नो कि आप जान पाएंगे फिर ये बहुत मुमकिन होगा कि आप जान पाएँगे द ट्रुथ कि आप सब जान पाएंगे हज़र अली रसलानों से रवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत महमद्ला ने उनसे फ़रमाया जब दो लोग आपके पास फ़ैसले के लिए आए तो कभी एक की हम हक़ में फ़ैसला मत दें दूसरे के दलाल सुने बगैर इस तरह बहुत मुमकिन है कि आप सच जान पाएँ हज़रत माविया इसलान रिपोर्टेड हज़रत माविया रसलान बयान फरमाते हैं अल्लाह रसूल अल्लाह ताला के रसूल हज़र महमद सल वम एस सिंह यह कहते फ़रमाते हैं एनी रूलर कोई भी हुक्मरान और जज को जज मुनसिफ़ हु जो के क्लोज बंद कर देता है हेज़ अपना डोर दरवाज़ा ऑन द पुअर ग़रीबों पर द नीडी ज़रूरतमंदों पर एंड और एंड द डेस्टिट्यूट और मुस्तकिन पर हज़रत माविया रसाना बयान फ़रमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ़ जो अपना दरवाज़ा ग़रीबों ज़रूरतमंदों और मस्किन में बंद कर दे अल्लाह क्लोजेज हिज़ डोर अल्लाह क्लोज बंद कर देता है हिज अपना दौर दरवाज़ा अल्लाह अपना दरवाज़ा बंद कर देता है ऑन हिम उस पर वन जब ही वो खुद बिकम्स बनता है नीडी ज़रूरतमंद एंड डेस्टीट्यूट और मुस्तक अल्लाह अपना दरवाज़ा उस पर बंद कर देता है जब वो खुद ज़रूरतमंद और मस्तक बनता है लर्नर्स यहाँ पर अल्लाह क्लोज़ डोर अल्लाह क्लोजस के बाद जो हिज़ का एच हमने यहाँ पे देखा होगा कि लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्म में ये क्यों लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर हिज़ जो है वो अल्लाह ताला के लिए हम हिज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हिज़ जो है ये प्रोनाउन है अल्लाह ताला के लिए इसलिए हम इसका एच जो है वो कैपिटल फॉर्म में डाला है तो इसी पर अगर दोबारा से हम री रीड कर लेते हैं जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड अप हेल्ड इनकमस्ट सर्कमस्टांसिस इवन इफ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ आर वंस फैमिली आर रिलेशंस इंसाफ तकाजा करता है कि हर तरह के हालात में कायम रहना चाहिए हती कि ये इंसाफ चाहे अपनी ज़ात के या अपने ख़ानदान या तल्लक़दारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़ब महम्मद सल्ला वल् जज अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कम्पेनियनस टू बी जजट अपनी तमाम ज़िंदगी में हज़त महमद सलील वसम ने दूसरे लोगों के मामल का फ़ैसला इंसाफ से किया और अपने साथियों से भी कहा कि वह इंसाफ़ वाले रहें इट इज़ रिपोर्टेड बाई हज़रत अली दैट अल्लाह रसूल देट अल्लासूल वैट टू हिम वैन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट नैवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग दर्गमेंट ऑफ द अदर इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली दैट यू विल बी नो द ट्रुथ हज़रत अली बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तला के रसूल हज़र महमद वसम् ने उनसे फ़रमाया जब दो लोग आपके पास फैसले के लिए आएँ तो कभी दूसरे के दलाल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला मत करें इस तरह बहुत मुमकिन है कि आप सच जान पाएं हजरत माविया रजान रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सल्लम एज सेंग एनी रूलर जज एनी रूलर और जज हु क्लोजेज डोर ऑन द पुअर द नीडी एंड डेस्टीट्यूट अल्लाह डोर ऑन हिम वन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट हज़ब माविया इस बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताली के रसूल हज़र अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हुक्मरान या जज मुनसिफ़ जो अपना दरवाज़ा ग़रीबों ज़रूरतमंदों और मुस्तहकीन के लिए बंद करता है अल्लाह ताला भी अपना दरवाज़ा जब उसके लिए बंद कर देता है जब वो खुद ज़रूरतमंद और मुस्तह बनता है वकल अर्नर्स टूडे वी हैव ट्रांसलेटेड इन दिस लेक्चर फिफ्थ एंड सिक्स पैराग्राफ्स इनशा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्रांसलेट Uh, the last two paragraphs of this unit uh, hopeful you will uh, enjoy it and you will uh, you have to understand this uh, paragraph to translation um, if you have any inquiry if you want to discuss anything with me, you can contact me on my whatsapp number so the, say uh, thank you for this time Allah hafiz